अब देखिए, घोटाले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, ये तो अगले कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन झारखंड में घोटाले के आरोप में फंसे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से जो सियासी सस्पेंस बना हुआ था वो आज खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन के इस्तीफे के करीब 36 घंटे बाद आज चंपई सोरेन ने नए मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले ली। चंपई सोरेन के साथ आज सिर्फ दो मंत्रियों ने शपथ ली है। कांग्रेस के कोटे से आलमगीर आलम और आरजेडी के कोटे से सत्यानंद भोक्ता ने शपथ ली। चंपई सोरेन ने 43 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। बहुमत के लिए 42 विधायक चाहिए। राज्यपाल ने चंपई सोरेन को 10 दिन के भीतर बहुमत साबित करने का आदेश दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से ये अभी नहीं बताया गया कि वो सदन में बहुमत साबित कब करेंगे, लेकिन विधायकों को किसी तरह की टूट-फूट से बचाने के लिए उन्हें हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। इन विधायकों को कल शाम हैदराबाद रवाना होना था, लेकिन कोहरे के चलते उनकी प्लेन नहीं उड़ पाई और इसीलिए उन्हें आज हैदराबाद भेज दिया गया है। हालांकि चंपई सोरेन ने यह उम्मीद जताई है कि वो आसानी से बहुमत साबित कर लेंगे। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद चंपई सोरेन ने कहा कि वो झारखंड के विकास के लिए काम करते रहेंगे। बहुत सा उथल पुथल विपक्ष की ओर से जो झूठ प्रचार आज झारखंड को अस्थिर करने के जो उन लोग का प्रयास रहा विपक्ष का, वो आज हमारा गठबंधन का शक्ति सफल नहीं होने दिया। आगे भी विपक्ष का किसी प्रकार का झूठ का उनका षड्यंत्र जो है, हमारा गठबंधन की इतना ताकत है, झारखंड के आदिवासी मूलवासी का एक एक चीज उन लोगों का से वाकिफ हो गया। उन लोग झारखंड को क्या दिशा लेने चाहते हैं वो समझ लिया है। इसीलिए अभी जो आज के बाद से झारखंड प्रदेश के सभी वर्ग सभी समुदाय के लिए हमारी काम जो पिछले जो हेमंत बाबू ने शुरू किया है उसको तेजी से पूरा करेंगे। वहीं रांची से सोरेन समर्थक विधायक अभी हैदराबाद पहुंच गए। बहुमत से पहले गठबंधन को टूट का डर भी सता रहा है। चार्टर्ड प्लेन से विधायकों को हैदराबाद लाया गया। चंपई सोरेन को 10 दिन के भीतर अपना बहुमत साबित करना होगा। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब हैदराबाद तमाम जो जेएमएम और कांग्रेस के विधायक हैं वो पहुंच गए हैं और ऐसे में इन विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया है। आपको बता दें, हालांकि इससे पहले तैयारी कल शाम थी, रांची एयरपोर्ट तमाम विधायक पहुंच भी गए थे, लेकिन विजिबिलिटी के चलते डीसी की तरफ से इजाजत नहीं दी गई थी। और अब टूट का डर सता रहा है, जिसके चलते जेएमएम पूरी तरह से अलर्ट में है। आज विधायकों को चार्टर्ड प्लेन के जरिए हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। चंपई सोरेन ने भले ही सत्ता की कमान संभाल ली हो, झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली हो, लेकिन अभी जो चुनौती है वो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगले 10 दिन के भीतर उन्हें बहुमत साबित करना होगा। बीच में कोई विधायक टूटे फूटे नहीं, कोई तोड़ ना पाए, और इसीलिए तमाम विधायकों को आज हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। चंपई सोरेन ये कह रहे थे कि उनका फोकस झारखंड के विकास पर होगा, लेकिन उनके सामने कई तरह की चुनौतियां होंगी। जो सबसे पहली और बड़ी चुनौती है वो बहुमत साबित करना होगा, विधायकों को एकजुट रखना पड़ेगा, और यही वजह है कि विधायकों को हैदराबाद लेकर जाया गया। हैदराबाद के लिए उड़ान भरने से पहले इन विधायकों ने कहा कि झारखंड में इसी साल चुनाव है और बीजेपी ने उनकी सरकार के खिलाफ जो साजिश की, जनता उसका जवाब चुनाव में सूद सहित देगी। प्लान फेल इसलिए हो गए क्योंकि हमने उनसे ही सीखा है और उनका उन्हीं को फेरा है। उन्होंने हमें 20 दिया था, हमने 21 फेरा है, और आने दीजिए समय, सूद समय वापस हो गए सरकार को। विधायक जा रहे हैं, हमारे सारे विधायक जो जिनको यहाँ आवश्यकता थी यहाँ रुकने की, वो यहाँ है। उसके अलावा सब लोग हमारे साथ हैं। वहाँ संख्या बल आप ये मान लीजिए, अगर हमारा 49 का संख्या है, 50 में एक कम होकर 49 का संख्या है,
तो जितने लोग यहाँ जिन्होंने आज शपथ लिया उसके अलावा एक दो लोग जो हैं जो कि आज कार्यक्रम है स्थापना दिवस है जीएमएम का, उसके अलावा सब लोग जो है वो वहाँ होंगे हमारे साथ। बिरयानी खाना है बस, मैं ताकत दिखेगी, न डरे थे न डरे हैं न डरेंगे, लड़े थे लड़ेंगे, डट से लड़ेंगे।